अभी अगर आपने अगर ये अभी देखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी टू साइंस, मैं कहूँ ये केवल एक गेम ऑफ चेस है। इसके बीच में 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशिस एंड 27 नक्षत्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। अब अगर मैं एक वीडियो लगाता हूं आपके सामने, ये क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है। वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, यस सर, ये बीच में सन है, इसके बगल में मर्क्यूरी, वीनस, हमारा अर्थ, इसमें मून को दिखाया नहीं गया। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, राइट, ये बीच में सन है, ये आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, राइट, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, सभी प्लैनेट आपको दिख रहे। सबकी स्पीड देखिए, सबसे फास्ट कौन भाग रहा है यहाँ पे? मर्क्यूरी। अब यहाँ पे एक मून नाम का प्लैनेट, एक मून नाम का व्यक्ति भी है जो अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहा है। ये जो बुध है 88 डेज लेता है, बुध लेता 88 डेज फॉर वन रिवॉल्यूशन, राइट, लेकिन मून कितना लेता? 27 डेज। सबसे फास्टेस्ट अगर मैं अर्थ के कंसिडरेशन में देखूं तो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ के कंसिडरेशन में रिलेटिवली कौन है? मून है। उसके बाद कौन है? मर्क्यूरी है। अब आप देखोगे ये जो दिख रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सन, सन के अगेंस्ट सबके सब रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम पैदा कहां हुए? अर्थ अर्थ पे। सो सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, ये तो मानते हो। जी अब इस वीडियो को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति का जन्म हुआ अर्थ पे, तो जो भी रिलेटिव इफेक्ट है, अब रिलेटिव इफेक्ट का मतलब समझिए, हर प्लेनेट का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो आप मानते हैं। जी ऐसे ही धरती का भी एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, मर्क्यूरी का भी है, जुपिटर का भी है, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, सबका है। लेकिन हम पैदा अर्थ पे हुए हैं तो अर्थ के रिलेटिव भी ये जो प्लैनेट है एक दूसरे के साथ पुश और पुल का खेल खेलते हैं। इस चीज को समझना होगा हमें। पुश एंड पुल का मतलब होता है कि पहली बात तो हर प्लैनेट अपनी तरफ एक खिंचाव रखता है, एक खिंचाव है, राइट। लेकिन जब दो प्लैनेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट निर्माण होता है। जैसे चुंबकत्व की बात करते हैं हम लोग, दो मैग्नेट आप सामने सामने खेलिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। अब सबके मोशन की स्टडी हम जब अर्थ के रिलेटिव करते हैं तो वो बनती कुंडली। अब वो कुंडली कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि कुंडली हमने बना तो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कुंडली बनी कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये 90% लोगों को पता नहीं होता है ये चार्ट बना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट की पोजीशन है, ये सन है और ये हमारा अर्थ है। अब हम क्या करेंगे, इस अर्थ से 360 डिग्री, कोई भी सर्कल जो है वो 360 डिग्री होती है, ये आप सबको पता है या किसी को डाउट है इसमें? नहीं राइट, सर, जिनको पता नहीं आपको बता दूं कि जो सर्कल होता है, अगर मैं एक गोलाकार बनाऊंगा तो वो टोटल 360 डिग्री होता है। ओके, तो हमने क्या किया, अर्थ पे एक बच्चा पैदा हुआ किसी कोऑर्डिनेट पे, किसी जगह पे, यहां से मैंने इसको 360 डिग्री एक सर्कल बना दिया अर्थ पे। अब मैंने क्या किया, इस 360 डिग्री को पे क्या किया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप 360 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 30, 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके बेस से एक 0 डिग्री बनाया, और उस 0 डिग्री से, वो 0 डिग्री का कंसेप्ट, उसको लगन का कंसेप्ट, लगन अभी मैं बाद में समझाऊंगा वो लगन कैसे आया, उसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। ये 360 डिग्री से हमने 30 30 डिग्री के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या जी किया, जो प्लैनेट जहां जहां बैठे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेपच्यून इनको लेते हैं नहीं, उसके पीछे का भी कारण मैं आपको बताऊंगा। हम लोग मूल रूप से 9 प्लैनेट लेते हैं, उसमें 7 मेन प्लैनेट है जिनका अस्तित्व है। वो कौन कौन से है? आपका बुध है, शुक्र है, देन शनि है, फिर आपका सूर्य है, चंद्र है, मंगल है और बृहस्पति, ठीक है। जी और 2 छाया ग्रह है जिसे हम राहु केतु बोलते हैं। वो छाया ग्रह कैसे बनेगा वो विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि राहु केतु इतने तकलीफ क्यों देते हैं हमें, उनके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का। खैर, ये यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए 30 डिग्री कैसे आया है? क्लियर। जी अब इसके बाद आप देखिएगा, आप देखोगे कि ये पहला भाव, दूसरा भाव, हमने इसको पहला भाव बना लिया, 0 डिग्री जो है इसको लगन मान के, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव। पांचवे भाव में यहां पे कहीं जुपिटर बैठा है, बृहस्पति। अब मैंने जब बोला हर भाव 30 डिग्री का, तो मैंने यहां से इसकी नाप लगाई, यहां से कितना हो गया, 28 डिग्री हुआ। ये टोटल अगर 30 है तो ये यहां से 28 हुआ लगभग, तो मैंने यहां पे जी जुपिटर अर्थात गुरु को लिख दिया 28 डिग्री। देखिए पांचवे भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव। अब आप बोलोगे ये क्या बनाया? दरअसल में कहानी ये है कि इसके जो सूत्र है, उन सूत्रों को बनाते समय ऋषि मुनियों ने देखा कि अगर कुंडली में गोलाकार बना हुआ तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा व्यक्ति को। उन्होंने क्या किया, इस 12 भाव को, इस 12 भाग को स्क्वायर फॉर्म में बना। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनकी कुंडली का पैटर्न अलग होता है, वो ऐसे उल्टा चलते हैं। इसको आइडिया, दक्षिण भारत की कुंडली देखना। ओके, अब क्लियर होगा, ठीक है फाइन। जी ओके, तो यहां तो पिक्चर क्लियर है कि ये जो इमेज है, इस इमेज को हम स्क्वायर फॉर्म में लेके आते हैं, इसे हम कहते हैं कुंडली। जी अब इस कुंडली में 2 चीजें आती है, एक होता है भाव, दूसरा होता है राशि, और तीन चीज आती है, भाव, राशि और प्लैनेट, फाइन। जहां पे हॉरिजॉन, जहां व्यक्ति पैदा होता है, जहां पे एक हॉरिजॉन कट होता है, उसे लगन बोलते हैं। लगन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि अभी हम केवल चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और जहां पे उसको कट करते हैं उसको हम पहला भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस। जहां लगन बनता है वो फर्स्ट हाउस होता है। अब वो लगन जहां कट करेगा उस पे जो राशि आएगी, वो राशि संख्या यहां पे हम डिफाइन कर दिए जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। राशियों के बारे में आप सबको पता है, जैसे 12 भाव होते हैं वैसे 12 राशियां होती है। यहां तक तो आपको पता होगा बेसिक मोटा मोटा, जी ठीक है। तो यहां ये तो पिक्चर क्लियर है, फाइन। अब मैं कुछ आपको और चीजें दिखाता हूं राशियों के बारे में। ये सब डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा, ये मैं कोई अलग से नहीं दिखा रहा हूं, ना मेरा बनाया हुआ है, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा इसमें। जो चीज रेडीली अवेलेबल है वो बेटर है हम बाहर से यूज कर लें, ठीक है। अब अर्थ को मैं सेंटर मानता हूं, राइट। तो ये 360 डिग्री का चार्ट, 360 डिग्री का हमारा सर्कल बना, उसमें प्लेनेटरी पोजिशन बनी। और इसको जब सर्कल करेंगे चारों तरफ टोटल 12 राशियां हैं। पहली राशि मेष है, ऋषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, उसके बाद धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और इसके बाहर एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं नक्षत्रास। अब इन नक्षत्रों का खेल क्या, मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए ये हमारी धरती है, ठीक है, इसको मैंने सेंटर माना। सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे? राशिस, राइट। जो पहला ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट, दैट इज फॉर राशिस। और जो आउटर ऑर्बिट है वो क्या पता है? नक्षत्रास। किसी को पता नक्षत्र क्या होते हैं? बचपन से सुना होगा आपने, मतलब जो पुराने जी जमाने के लोग हैं वो अक्सर ये कहते थे कि आज सूर्य पुष्य नक्षत्र में है, आज ये नक्षत्र उदय हुआ है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए।
इसका बैकग्राउंड हमें कुछ भी पता नहीं है, बट हम सुनते आए बचपन से। लेकिन किसी को पता है नक्षत्र होते क्या है? नक्षत्रास जो होते हैं इनको इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, ये बिल्कुल कुछ सही, तारा समूहों के ग्रुप्स बने होते हैं अलग अलग। ये बिल्कुल कुछ सही कहा। तारे, जैसे किसी में 2 तारे, किसी में 3 तारे, किसी में 4 तारे, तो वो जो एक शेप फॉर्म होती है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब शुरू में आसमान में देखा तो उन शेप्स को किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे किसी को कॉट के आगे के 2 पैर, पीछे के 2 पैर, तो ऐसे 27 नक्षत्रास बने। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं स्टार्स की। देखिए जैसे हमारा सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ऐसे ही हमसे बहुत दूर, इतना दूर कि शायद कई हजार वर्ष लग जाए वहां पहुंचने में, उनको लाइट ईयर्स का कंसेप्ट कहा जाता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर कई तारे मिलेंगे आपको। आप आसमान में देखेंगे रात को तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इन तारों को समूह में बांटा गया अलग अलग अलग, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि एक ग्रेविटेशन पुल एंड पुश है, वो ग्रेविटेशन पुल और पुश कौन कर रहा, प्लैनेट कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है हम लोग सूर्य के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, इसके पीछे किसी कुछ कारण पता है? सभी प्लैनेट आंख बंद करके अपना एक एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करते हुए इस सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते जा रहे हैं, सभी के सभी प्लैनेट। उसके पीछे कारण कोई बता पाएगा? अगर आप साइंस को स्टडी करें, सभी प्लैनेट इस सूर्य का टूटा हुआ एक हिस्सा है, पहली चीज। और सूर्य का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कहीं ना कहीं इनको बाध्य कर रहा है उसके अगेंस्ट रिवॉल्व करने के लिए। ऐसे ही सूर्य भी कहीं ना कहीं घूम रहा है, सूर्य का भी एक ध्रुव है, वो भी रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप आकाश गंगा को स्टडी करेंगे, आकाश गंगा में लाखों तारे हैं, और उनमें जो हमारे इस तारे अर्थात सूर्य के नजदीक जो तारे हैं उनका एक समूह बनाया गया। ये ऋषि मुनियों ने बहुत पहले स्टडी कर लिया था, सोचिए विज्ञान कितना उन्नत था। और उनको 27 नक्षत्र और 108 पदों में विभाजित किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या पाया, ये जो तारे हैं ये भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और इनका प्रभाव ऐसा है, इतना मजबूत प्रभाव है कि उससे हम बच नहीं सकते। एक्चुअल कहानी क्या होती है, जब हम प्रेडिक्शन देते हैं हम क्या करते हैं, व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया, हमने राशियों को तो कंसिडर कर लिया, लेकिन इन तारों के प्रभाव को स्टडी नहीं करते। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि एक लाल कलर की ग्लास है, राइट, और उसमें से सनलाइट आ रही है, तो लाइट कैसे आएगी? लाल। और अगर पीले कलर की ग्लास है, उसमें से अगर लाइट आ रही है, तो लाइट कैसे आएगी? पीली। क्योंकि क्या हुआ, वो जो कलर है उस कलर ने अपना जो रंग है उस लाइट को दे दिया, और उस लाइट ने उस रंग को लिया और आगे बढ़ के आई। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है? यस अब आप समझिए कि ये नक्षत्र है, यहां पे नक्षत्र है, जी मैम, यहां पे नक्षत्र है, यहां पे राशि है, इस नक्षत्र से जो ऊर्जा आई यहां की राशि को, या यहां पे जो प्लेनेट बैठा हुआ है उनको साथ में लेकर के उनके उनके रंग में रंग के वो कहां पहुंची? पृथ्वी पे पहुंची। और हम पे इफेक्ट किसका पड़ा? सबसे पहले जो नक्षत्र है उसका पड़ा, उसके बाद जो राशि पड़ी उसका पड़ा, और उसके बाद जो प्लैनेट आया उसका पड़ा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहता हूं यहां पे जुपिटर है, जुपिटर को बहुत ही शुभ प्लैनेट माना गया है, यहां पे एक नक्षत्र, यहां पे जुपिटर है, जुपिटर कौन से राशि में है? जुपिटर 7 नंबर तुला राशि में है, और तुला के पीछे कोई नक्षत्र है, तो नक्षत्र से जो लाइट आई वो तुला पे गई, और तुला से जुपिटर पे, ठीक है, और जुपिटर कौन सी ऊर्जा लेके यहां पे आया? तुला राशि और जो उसके पीछे नक्षत्र है उसका। हम क्या करते हैं, हम केवल राशि तक स्टडी करते हैं, नक्षत्रों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र, उनके स्वामी, उनके पद पद
108 पद आ गए, और उन पद से रिलेटेड भी जो एनर्जीज है, जो उनके देवता है, उनको स्टडी करना है। जैसे गंडमूल नक्षत्र, किसको किसको पता है? मूल नक्षत्र सुना होगा आप लोगों ने, लोग उससे कई बार बस डरते मैं हैं, लोग डरते हैं उसके कई। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, पूजा कराओ। हाँ, पूजा कराओ, लेकिन उस पूजा के पीछे का कारण क्या, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो इतना खतरनाक नक्षत्र क्यों बन जाता है? गंडमूल के 6 नक्षत्र आते हैं 108 में, 127 में से, पता है आपको? यस सर, हाँ, हाँ जी सर, पता लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है वो आपको ये केवल चार्ट डिफाइन कर सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एज एस्ट्रोनॉमी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है, और तब आपको उपाय भी समझ में, हमें क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तो क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट है कि नक्षत्र की एनर्जी राशि कैसे लेके आ गया है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, क्लियर सर। किसी को भी हो, ऐसा कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से कई लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता ना हो, तो आगे जाके वो लोग बीट हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। क्लियर ना? अब ये जो 12 राशि है, अच्छा किसी को आइडिया, आप में से कोई जिसको पता ना हो ये 12 राशियों के बारे में? यस तो मैं कहता सर, हूं एस्ट्रोलॉजी इज अ गेम ऑफ चेस बिटवीन 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि ये खेल कैसे खेला जाता है, ये खेल कैसे होता है। सबसे पहले हमें रिजल्ट कौन देगा? प्लैनेट देगा, क्योंकि वो सबसे नजदीक है। लेकिन उस रिजल्ट को प्रभावित कौन करेगा? राशियां और नक्षत्र करेंगे। अगर आप किसी भी कुंडली या चार्ट को देखेंगे, हमें रिजल्ट कौन दे रहा है? ये प्लैनेट दे रहे हैं, और ये भाव दे रहे हैं, जिस भाव में ये प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये तो मानते हो हाँ राइट? जी सर, लेकिन इस रिजल्ट को प्रभावित कौन करेगा? इन राशियों के स्पेसिफिकेशन, तत्व, डायरेक्शन और जो बाहरी ऑर्बिट में नक्षत्र बैठे हुए, वो जो ऊर्जा लेके आएंगे उसके हिसाब से बिहेव करेंगे। अभी मैं यहीं पे आप लोगों में से पूछूं, आप में से ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मेरे भी फर्स्ट हाउस में राहु है, लेकिन क्या राहु का इफेक्ट सभी के कुंडली में सेम है? नहीं। एग्रीड? किसी को राहु बहुत प्रताड़ित करता होगा, और किसी को राहु आसमान में, आसमान की बुलंदी भी लेके जाता होगा, क्योंकि राहु का स्वभाव एक्सट्रीम जाना, या तो एकदम जमीन पे धसा देगा या तो एकदम आसमान पे उठा देगा, क्योंकि उसका नेचुरल स्वभाव है। तो इन स्वभावों को हम कल समझेंगे कि प्लैनेट का स्वभाव कैसा है, राइट? उसके बाद जी ये जितने हाउसेस है, इनमें बेसिकली जो स्पेसिफिक हाउसेस है, इनके महत्व क्या है, और इसके बाद तत्वों का क्या महत्व है, और इनको हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, मुझे पता आप लोगों को ये बेसिक आइडिया है, एल्स आई मस्ट हैव गॉन, कि प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, राशियां कौन कौन सी होती है, उनके स्वामी कौन है, ये सब जानने की जरूरत नहीं ना। नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर, एक कोई बार रिपीट रिपीट कर सकते हैं, इट विल बी फॉर गुड फॉर अस। नहीं सर, ठीक है, एक बार रिपीट करना है तो कल कर लेंगे, शॉर्ट में 10-15 मिनट में हम रिपीट करके फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, फाइन? ठीक है सर, लेकिन कंसेप्ट यही है मोटा मोटा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक इन सबके इफेक्ट को आप स्टडी नहीं करोगे, नक्षत्र, राशि, प्लैनेट एंड हाउसेस, रिजल्ट कभी नहीं आने वाला। और इसमें भी हर नक्षत्र का एक स्वभाव है, हर राशि का एक स्वभाव है, हर प्लैनेट का एक पर्सनल स्वभाव है, और वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते का स्वभाव क्या है? काटना काटना, भौंकना, वफादारी, ये उसके कुछ नेचुरल स्वभाव है। सांप का स्वभाव क्या है? डसना, राइट? वगैरह। तो जैसे हर ईश्वर ने जो प्राणी बनाया उनका एक स्वभाव है, ऐसे ही उन्होंने हमें भी एक स्वभाव दिया है। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, सब कुछ तत्वों का खेल बनाया है, बिना तत्वों के आपको एस्ट्रोलॉजी समझ ही नहीं आएगी, मैं आपको लिटरली कहता हूं। आप किसी भी अच्छे वैद्य के पास जाइए, वो क्या करेगा, पहले आपकी नब्ज देखेगा, राइट? और उसके अनुसार उसको समझ में आएगा कि आपके
नफ्स के हिसाब से आपके शरीर में कौन से तत्व की प्लस माइनस कमी है, या आपके शरीर में कौन सा तत्व डिसबैलेंस है, और उसके हिसाब से उपाय बताएगा। उसको पता है अग्नि तत्व दिक्कत में है। अब अग्नि तत्व दिक्कत में, उसमें दो तीन तरह से दिक्कत बन सकती है। या तो अग्नि तत्व कमजोर है, या तो अग्नि तत्व पे किसी और तत्व का प्रभाव है, या तो अग्नि तत्व में टॉक्सिन्स भरा पड़ा है, अर्थात पॉइजन है, राइट? अगर उसमें टॉक्सिन्स है तो वो क्या कहेगा कि इसके टॉक्सिन्स मुझे निकालने हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी व्यास जी। हाँ सर, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर दूंगा, समझा दीजिए उसके बाद एक टास्क में। अच्छा, क्योंकि क्लास खत्म ही होने वाली, लास्ट मिनट है, आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहें। हाँ सर, ऐसा था कि जो आपने बताया कि जो भाव होते हैं उसको हम वो अर्थ को डिवाइड करते हैं 12 भागों में, फिर जो नक्षत्र होते हैं वो मतलब होते हैं कि तारों के समूह होते हैं, तो फिर राशि जो है वो राशि क्या है, वो भी तारों के समूह ही है नहीं या? नहीं राशि एक इमेजिनरी ऑर्बिट है जो ऋषि मुनियों ने बताई। हम इसे कल कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वो हो नहीं पाएगा, ये लास्ट मिनट है, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है ठीक राइट? है ठीक बट हम कल राशि से स्टार्ट करेंगे, राशि है क्या। ठीक है, बेसिकली नक्षत्र, प्लैनेट और राशि, इसको आप समझ लेंगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है।